जब भी बुलेट ट्रेन की बात होती है तब हमारे दिमाग में सबसे पहले जापानी बुलेट ट्रेन की इमेज सामने आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान ही वो देश है जिन्होंने बुलेट ट्रेन को इतना पॉपुलर बनाया है। यहाँ तक कि बुलेट ट्रेन का आविष्कार जापानी इंजीनियर हिडियो शिमा ने किया था। जापान में पहली बार बुलेट ट्रेन 1964 में चली थी और इस ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर/आवर की थी। बुलेट ट्रेन को जापान में शिनकानसेन कहा जाता है जो जापान की सबसे बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करती है। जैसे ही बुलेट ट्रेन जापान में हिट हुई बहुत से देश बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी को अपने देश में अपनाने लगे। अब तक दुनिया के 20 देशों में बुलेट ट्रेन चलती है पर कुछ सालों में आपको भारत में भी बुलेट ट्रेन चलती हुई देखने को मिलेगी। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है और इस काम में जापान भारत की पूरी मदद कर रहा है। भारत ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान को इसलिए चुना है क्योंकि जापान अपने एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए दुनिया भर में मशहूर है और बुलेट ट्रेन की क्वालिटी और सर्विस में जापान नंबर वन देश है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बन रही बुलेट ट्रेन के बारे में सब कुछ, जैसे कि कब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, अभी तक कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और क्या भारत सरकार बुलेट ट्रेन पे टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट कर रही है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बुलेट ट्रेन होती क्या है। देखो पैसेंजर ट्रेन तीन तरीके की होती है। पहली होती है कन्वेंशनल रेल जिनकी स्पीड 160 किलोमीटर/आवर से कम होती है। दूसरी होती है सेमी हाई स्पीड रेल जिसकी स्पीड 160 से 200 किलोमीटर/आवर के बीच होती है। और तीसरी होती है हाई स्पीड रेल जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर/आवर से ज्यादा होती है। बुलेट ट्रेन एक तरीके की हाई स्पीड रेल होती है जो नॉर्मल ट्रैफिक ट्रेन और ट्रेडिशनल ट्रेन की तुलना में बहुत ज्यादा फास्ट और कंफर्टेबल होती है। इन हाई स्पीड रेल को बुलेट ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुलेट गोली की रफ्तार से चलती है। बुलेट ट्रेन की मिनिमम स्पीड इस समय 250 किलोमीटर/आवर की होती है। ये ट्रेन नॉर्मल रेलवे ट्रैक में नहीं चलती है, इनके लिए नए और स्पेशल ट्रैक्स चाहिए होते हैं जो इनकी स्पीड को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। आइए अब भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। 14 सितंबर 2017 को जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे भारत आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। फिर दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को बढ़ाने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट साइन होते हैं, उनमें से एक प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का भी होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे मिलकर भारत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत को अपनी पहली बुलेट ट्रेन जापान से मिलने वाली है जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। इस प्रोजेक्ट में 12 रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा जो मुंबई से शुरू होगा और अहमदाबाद होते हुए साबरमती तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लेंथ 508 किलोमीटर है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन में 10 कोचेज होंगे जिनमें 750 लोग एक साथ ट्रेवल कर सकेंगे और फ्यूचर में कोचेज को बढ़ाया जाएगा। फिर बुलेट ट्रेन में आराम से 1200 लोग ट्रेवल कर सकेंगे। बुलेट ट्रेन में 55 सीटें बिजनेस क्लास की होंगी और 695 सीटें स्टैंडर्ड क्लास की होंगी। बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर/आवर की होगी। मुंबई से अहमदाबाद रूट में आपको दो टाइप्स की बुलेट ट्रेन की सर्विस मिलेगी। पहली सर्विस में बुलेट ट्रेन सिर्फ 4 स्टेशन अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और मुंबई में रुकेगी और ट्रेवल टाइम 2 घंटे 7 मिनट का होगा। दूसरी सर्विस में बुलेट ट्रेन सभी 12 स्टेशन पे रुकेगी और ट्रेवल टाइम 2 घंटे 58 मिनट का होगा। आइए अब जानते हैं कि भारत में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा। देखो जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था तब इस प्रोजेक्ट को 15 अगस्त 2022 से पहले कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया था। भारत सरकार चाहती थी कि भारत के 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन भारत में बुलेट ट्रेन चले, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमेशा की तरह इस प्रोजेक्ट में भी पॉलिटिक्स घुस गई। जब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ था तब उस समय महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी और तब तक महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन का काम 22% पूरा हो गया था। पर 2019 में महाराष्ट्र में सरकार चेंज हो गई, शिवसेना ने बीजेपी को धोखा देके कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और फिर महाराष्ट्र में बीजेपी की जगह शिवसेना पावर में आ गई और फिर उसने ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में रोक दिया। 2019 से लेकर 2022 चार साल तक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट होल्ड में चला गया था। पर वहीं दूसरी तरफ गुजरात में लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया था और साथ में कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई थी, पर महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन का काम ही रोक दिया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र को जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत 5,000 करोड़ रुपए देने थे उसे भी उद्धव ठाकरे की सरकार ने रोक दिया था। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोविड पेंडेमिक के चलते नहीं रोका था। उद्धव ठाकरे ने 2019 में ही बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को रोक दिया था, पर जब से महाराष्ट्र में सरकार बदली है और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने सिर्फ एक महीने में महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के लिए लैंड एक्विजिशन का 98% काम कंप्लीट कर दिया। जो काम करने में उद्धव ठाकरे को 4 साल लगे वो काम एकनाथ शिंदे जी ने एक महीने में पूरा कर दिया है। तो 4 साल डिले के चलते जो प्रोजेक्ट अगस्त 2022 में पूरा होना था अब वो प्रोजेक्ट अगस्त 2026 में कंप्लीट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अनुसार अब तक बुलेट ट्रेन का 26.3% वर्क कंप्लीट हो चुका है। गुजरात में ओवरऑल 32.9 लगभग 33% वर्क
कंप्लीट हो चुका है और महाराष्ट्र में 4 साल डिले होने के चलते सिर्फ 13% काम कंप्लीट हुआ है। आइए अब जानते हैं कि कुछ लोग बुलेट ट्रेन को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। तो देखो, जो लोग बुलेट ट्रेन को क्रिटिसाइज करते हैं कि बुलेट ट्रेन देश के लिए सही नहीं है, टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी हो रही है, वो सिर्फ एक पॉइंट को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं कि बुलेट ट्रेन कॉस्टली है और कॉमन मैन इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1.1 लाख करोड़ रुपीस है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत सरकार इतना सारा पैसा कहां से लाएगी। तो देखो, इस प्रोजेक्ट का 81% कॉस्ट यानी कि 88,000 करोड़ रुपीस जापान भारत को लोन के तौर पे दे रहा है। जापान भारत को ये लोन सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। इस लोन को भारत को आने वाले 50 सालों में चुकाना होगा। जापान ने भारत को लोन इतने कम इंटरेस्ट रेट पे दिया है और साथ में लोन रिपेमेंट का टाइम 50 साल रखा है और इसके अलावा 15 साल का ग्रेस पीरियड भी ऐड किया है। तो इसके चलते आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी पे इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इस प्रोजेक्ट का बाकी का 19% कॉस्ट भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट, गुजरात और महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। इस प्रोजेक्ट में जापान 88,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा, भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट 17,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। इस कॉरिडोर को बनाने में जो कंपोनेंट यूज होंगे उनमें से 20% कंपोनेंट जापान से आएंगे और बाकी के 80% कंपोनेंट भारत में ही बनेंगे। अब बात करते हैं कि क्या लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो देखो, बुलेट ट्रेन की जो टिकट प्राइस होगी वो 3,000 से 4,000 रुपए के बीच होगी, पर अगर आपका डेस्टिनेशन रूट कम होगा तो आपके टिकट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 3,000 से 4,000 रुपए में अगर लोगों को मुंबई से अहमदाबाद या अहमदाबाद से मुंबई जाना होगा तो वो फ्लाइट से चले जाएंगे, वो बुलेट ट्रेन का सफर क्यों करेंगे। तो देखो, लोग बिल्कुल फ्लाइट से जाएंगे पर फ्लाइट में सिर्फ 180 से 200 पैसेंजर जा सकेंगे, वही बुलेट ट्रेन में 750 लोग ट्रेवल कर सकेंगे और ट्रेवल टाइम दोनों का लगभग एक बराबर ही होगा। तो फ्यूचर में जिनको फ्लाइट से ट्रेवल करना होगा वो फ्लाइट से ट्रेवल कर लेंगे और जिनको बुलेट ट्रेन से ट्रेवल करना होगा वो बुलेट ट्रेन से ट्रेवल कर लेंगे। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि बुलेट ट्रेन के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है जिससे एनवायरमेंट खराब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। अभी तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत 8,000 पेड़ों और 83,600 सैपलिंग लगाए गए हैं। इसके अलावा आज के समय में दुनिया भर के देश CO2 इमिशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वो अपने देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। वहीं भारत में पता नहीं कुछ लोग किस जमाने में जी रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सबसे कम CO2 इमिशन फैलाने वाला ट्रांसपोर्ट मोड बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन से पर किलोमीटर सिर्फ 14 ग्राम CO2 इमिशन इमिट होता है, वहीं स्मॉल कार से 42, बिग कार से 55, बस से 68, बाइक से 72, शिप से 245 और प्लेन से 285 CO2 इमिट होता है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि बुलेट ट्रेन शुरुआत में प्रॉफिटेबल नहीं होगी। तो देखो, ये बात सही है कि इनिशियल ईयर में बुलेट ट्रेन प्रॉफिटेबल नहीं होगी और ये हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ होता है, पर जैसे ही बुलेट ट्रेन प्रॉपर तरीके से सेटअप हो जाएगी तो वो भी प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। इसके अलावा बुलेट ट्रेन के बेनिफिट की बात करें तो बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बुलेट ट्रेन से ट्रेवल टाइम बहुत कम हो जाता है, 8 घंटे का सफर 2 घंटे में पूरा हो जाता है। बुलेट ट्रेन में आप बहुत ही आराम से न्यू कोचेस को ऐड कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन का एनर्जी कंजप्शन एरोप्लेन के मुकाबले 1/3 और कार के मुकाबले 1/5 होता है। बुलेट ट्रेन बहुत एनर्जी सेव करती है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बहुत ही कम CO2 इमिशन इमिट करती है, तो एनवायरमेंट के लिए भी बुलेट ट्रेन बहुत सही है। बुलेट ट्रेन बहुत सेफ है, इसमें डिजास्टर प्रिवेंशन सिस्टम भी लगाया गया है। इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत 20,000 नौकरियां जनरेट हुई हैं। बुलेट ट्रेन की ऑपरेशंस के लिए 4,000 नौकरियां और जनरेट होंगी। इसके अलावा देश की कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम होगी। देखो, आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और आने वाले 8 सालों में $10 trillion की इकोनॉमी बनने वाला है। भारत मार्स तक पहुंच चुका है, डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 है। इसके अलावा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो अगर भारत में बुलेट ट्रेन शुरू होती है तो इससे भारत की इमेज ग्लोबल लेवल पे और बढ़ेगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगेगा कि भारत कंटिन्यूअसली अपने देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में इन्वेस्ट कर रहा है। फ्यूचर की बात करें तो भारत में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद 2051 तक 12 और कॉरिडोर को बनाने की बात चल रही है, जो भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को आपस में बुलेट ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करेगी। तो दोस्तों, एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो देश टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।